नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही मजेदार चटकारेदार मिर्ची की रेसिपी लेकर आए हैं। वैसे तो मिर्ची की कोई भी रेसिपी खाने के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से मिर्ची बना लेंगे तो आपको किसी भी सब्जी की कमी महसूस नहीं होगी। इसे आप पाती, परांठे, पूड़ी किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे लंच में भी दे सकते हैं और सफर में भी ले जा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने मिर्ची ले ली है। ये जो मैंने मिर्ची ली है, ये ग्राम के हिसाब से 150 ग्राम के करीब मिर्ची है। मैंने कम तीखी वाली मिर्ची ली है, आप चाहे तो तीखी वाली भी ले सकते हैं। पहले तो इसे अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसे किचन टॉवल से अच्छे से पोंछ लें। अब इसको बीच में से हमने चक्कू से ना ऐसे स्लिट करना है, पूरा नहीं काटना, अलग अलग नहीं करना, बीच में से एक चीरा देना है। इस ढंग से ऐसी सारी मिर्ची को काट कर पहले तैयार कर लें। देखिए, सारी मिर्ची को तो हमने चीरा देकर तैयार कर लिया है। आप चाहें तो बीज समेत बना सकते हैं, लेकिन मैं इसके बीजों को हटा रही हूँ। जो चम्मच की उल्टी साइड होती है ना, उससे ये बीज आराम से निकल जाएंगे। देखिए, इस ढंग से ऐसे सारी मिर्ची को पहले बीज हटा कर ना खाली कर लें। देखिए, हमने सारी मिर्ची को खाली कर तैयार कर लिया है। अब हम ले लेंगे एक पैन, गैस ऑन कर लेंगे। मैं इस पर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून चने की दाल, 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ मूंगफली, ये कच्ची मूंगफली है। अब इन दोनों चीजों को हमने भुनना है मीडियम गैस पर 1 से 2 मिनट के लिए। देखिए, 2 मिनट बाद हम गैस को लो मीडियम कर देंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब सौंफ। उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून सफेद तिल, इसको भी हमने 1 मिनट के लिए भुनना है। जब 1 मिनट हो जाएगा ना, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून नारियल का बुरादा। आप चाहे तो सूखा नारियल काट के भी डाल सकते हैं। अब इसको भी ना हमने सब चीजों को मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए और भुनना है। गैस को तेज नहीं करना। अब गैस को हम बंद कर देंगे, ये हो गया। अब हम लेंगे कढ़ाई, गैस ऑन कर लेंगे। उसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, उसको हमने गर्म कर लेना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, मैं इन मिर्चियों को इसमें डाल दूंगी और गैस को कर दूंगी मीडियम। इसको हमने अलटते पलटते हुए ना थोड़ा सा भून लेना है मिर्ची को 2 मिनट के लिए। देखिए, 2 मिनट के बाद आप देखेंगे इस पे थोड़ी थोड़ी चित्री आ जाएगी। हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। जो मिश्रण हमने भुना था ना, वो सारा ठंडा हो चुका है, इसे मैंने एक कटोरे में निकाल लिया था। अब लेंगे एक मिक्सी का जार, इसको इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही ले ली थी मैंने 4 लहसुन की कलियां, ये बड़े वाला लहसुन था, मैंने 4 ली थी। अगर आपके पास छोटे वाला लहसुन हो ना, तो आप 8 कर लें और छील कर इसमें डाल दें। थोड़ा सा लिया था मैंने अदरक का टुकड़ा, उसे भी रफली चॉप कर लिया था, वो डाल रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को हमने थोड़ा सा पानी डालकर ना पीस कर तैयार करना है। ये सबको हमने पीस कर तैयार कर लिया है। इसके पीसने में हमारा 5 टेबलस्पून पानी लगा है। अब हमने वही वाली कढ़ाई ली है जिसमें हमने मिर्ची को भुना था, और ऑयल भी वही लिया है। गैस को ऑन करके इसे गर्म कर लेंगे। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, थोड़ा सा चला देंगे। 1 ली थी मैंने बड़े साइज की प्याज, जिसको बारीक काट लिया था, वो डाल रही हूँ। प्याज को भी हमने भून लेना है हल्का हल्का सुनहरा होने तक। देखिए, प्याज भी ना हमारी हल्की हल्की सुनहरी हो गई है। अब डालेंगे कुछ मसाले, गैस को स्लो कर लेंगे। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। मैंने कम तीखी वाली लाल मिर्ची का यूज किया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, आप स्वाद अनुसार डालें। और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ मैं गरम मसाला। देखिए, मसाले अच्छे से भुन जाएं, मिक्स हो जाएं, मैं इस पे थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं डाल रही। देखिए, मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गया थोड़ा सा पानी डालने से, और इसका टेम्परेचर भी है ना, वो भी थोड़ा कम हो गया है। अब गैस को स्लो कर मैंने लिया था
3 टेबलस्पून दही, ये कम खट्टा दही लिया था मैंने, ज्यादा खट्टा नहीं है, इसको थोड़ा थोड़ा मैंने फेंट लिया था। अब हमने दही को भी पका लेना है ऐसे ही चलाते हुए। ये देखिए जो दही है ना बहुत अच्छे से पक चुका है, आप देख पा रहे होंगे। अब इसमें जो हमने मिक्सी में पीसा था ना पेस्ट, वो डाल देंगे। थोड़ा सा ना मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, जार में ना थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ है। अब अच्छे से मिक्स करते हुए इसको भी हमने भुनना है गैस को मीडियम करते हुए 2 मिनट के लिए। 2 मिनट तक हमने इन सब चीजों को भून लिया है। अब डालेंगे पानी, मैं इसमें 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करते हुए पहले तो इसमें उबाल आने देंगे। जब अच्छे से उबाल आ जाएगा हम गैस को लो मीडियम कर देंगे और इसको ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। देखिए 4 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। अब इसमें हम मिर्ची को भी डाल देंगे। मिर्ची के साथ मैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल रही हूँ। दोनों को मिक्स कर देंगे। जब ये मिक्स हो जाए तो गैस को लो मीडियम कर इसको हमने 2 मिनट के लिए ढक देना है। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। अब ये बनकर तैयार है। आप एक बार इस ढंग से मिर्ची बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।